आजकल शहरों में जैसे जगह कम रह गई है और हमारे पास गार्डन की जगह नहीं है और आजकल हम जितना भी वेजिटेबल है हम घर पे उगा नहीं सकते हैं, तो हाइड्रोपोनिक एक नया ग्रोथ मीडियम है जिसके अंदर हम लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स को हम पानी के अंदर उगा सकते हैं। इसके अंदर हमारी पानी की भी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। जैसे मिट्टी के अंदर अगर हमें 10 लीटर पानी चाहिए तो इसके अंदर हमें खाली 1 लीटर की ज़रूरत होती है, तो हम 90% पानी को भी इसके अंदर हम बचाते हैं। और हमारी इसके अंदर जो ग्रो होती है, जो क्वालिटी होती है वेजिटेबल की, वो बहुत अच्छी आती है। दूसरा, इसके अंदर जितना हमारे को सॉइल के अंदर टाइम लगता है उससे कम टाइम हमारे को इसके अंदर उगाने में लगता है। और हम जैसे आज की डेट में आप मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारा पेस्टिसाइड्स डला होता है और आप नोटिस करेंगे कि पत्तों के अंदर छेक होते हैं, तो उससे पता लगता है कि कीड़ा खाया हुआ है। और ऑर्गेनिकली ग्रोन के अंदर भी ये चीज़ आप देखेंगे, लेकिन हाइड्रोपोनिक के अंदर ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। जैसे आज की डेट में लोगों को टेंशन रहती है कि हम पीवीसी पाइप के अंदर उगा रहे हैं तो उससे कोई चीज़ नहीं आ जाए पानी के अंदर, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि जितनी भी हम पाइप यूज़ करते हैं वो लेड फ्री यूवी ट्रीटेड यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे आप आज की डेट में देखेंगे, आप मिट्टी के अंदर कुछ उगाते हैं तो उसको 3 महीने लग जाते हैं, हाइड्रोपोनिक में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन या 60 दिन लगते हैं, हर एक प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोपोनिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप आराम से घर पे उगा सकते हैं और अपनी ताज़ी सब्ज़ी खा सकते हैं कि आपने हर रोज़ एक पत्ती काटी और अपना सैलड बनाया या अपनी सब्ज़ी खाई और उसके बाद उसको ग्रो होने दिया। सैलड एक ऐसी चीज़ है जो उसी टाइम फ्रेश खाई जाती है, जो अच्छी लगती है। अगर आप नॉर्मली हाइड्रोपोनिकली ग्रोन सैलड लीव्स खाते हो तो उसमें ये होता है कि उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत हाई होता है और उसके बाद उसके अंदर बिल्कुल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता। इट्स बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ग्रीन और पानी में ग्रोन है, तो कहीं कोई स्कोप गलत होने का है ही नहीं। एंड ऑब्वियसली उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू सॉइल ग्रोन। ह्यूमन बॉडी को जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं, हम उन्हीं को इस्तेमाल करके न्यूट्रिशन बनाते हैं और अपने जो पौधों की रूट्स हैं उनको सीधा हम न्यूट्रिशन देते हैं। ये सॉइललेस फार्मिंग कहलाई जाती है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है और सीधा रूट्स को हम पानी के अंदर रखते हैं हमेशा, जिससे जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत ड्रास्टिक होती है और बहुत अच्छी होती है। और हाइड्रोपोनिक सेटअप का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको जगह की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ना इसके अंदर वज़न होता है, ना इसको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। जैसे आपके पास बालकनी में जगह है, आप बालकनी में लगा सकते हैं, अपने हिसाब से सेटअप को डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको कितने प्लांट्स वाला चाहिए। आप कमरे के अंदर लगाना चाहते हैं, आप घर के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। आप छत पे लगाना चाहते हैं, आप छत पे भी लगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक एक ऐसा मीडियम है इस चीज़ों को उगाने का जो बहुत फ्लेक्सिबल है, ना इसमें ज़्यादा वजन होता है, ना इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। आप इसको उठा के बाहर रख दें, शाम को वापस अंदर रख दें, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक एक नया फ्यूचर है सब्जियाँ उगाने का ज़मीन से हटके, क्योंकि एक आज की डेट में हमारा ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है, इसके अंदर 90% पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। दूसरा, हमारे पास जगह ख़त्म होती जा रही है क्योंकि धीरे धीरे करके जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है वो सारी कमर्शियल बन रही है या वहाँ पे बिल्डिंगें आ रही हैं। तो हम आप ये लगाएं कि छोटी सी जगह में बहुत कुछ उगा सकते हैं और बहुत सारा उगा सकते हैं अपने घर के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए। तो हाइड्रोपोनिक मीडियम एक बहुत अच्छा मीडियम है, सेफ़ मीडियम है, जिसके अंदर आपको बहुत हाईली न्यूट्रिशन वेजिटेबल मिलेगी और जो न्यूट्रिशन एक सब्ज़ी के अंदर होना चाहिए वो आपको मिलेगा। ये हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप है, इसको हम अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं काफ़ी पाइपें लगी हैं, अगर हमारे घर में जगह कम है तो हम 2 पाइपें रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो इसका सिस्टम ऐसे होता है कि एक एंड से पानी अंदर आता है और दूसरे एंड से पानी नीचे जाता है, और हमारा नीचे एक रिजर्व वायर बना होता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन वाटर होता है हमारा, जो सर्कुलेट करता है, रिसाइकिल होता है। इसी कारण से हमारा जो पानी की कंजम्पशन होती है, जो खपत होती है सेटअप के अंदर, वो बहुत कम हो जाती है। और ये हमारा सेटअप है, इसमें आप देखेंगे हमने नेट कप्स डाल रखे हैं। इसका कारण क्या होता है कि जब हम प्लांट को इसके अंदर डालते हैं ट्रांसप्लांट करने के टाइम पे, तो इसकी जड़ें जब फैलती हैं तो वो इसको सपोर्ट लेके ऊपर उगता है। अगर हम नेट कप नहीं डालेंगे तो वो पानी के अंदर ही डूब जाएगा और मर जाएगा।
तो हमारी हमेशा ये रहती है कि हम नेट कप्स के अंदर प्लांट को डालें कि उसको नेट कप सपोर्ट कर सके उगने के लिए, क्योंकि इस पे ना तो मिट्टी होती है ना कुछ होता है, बस इसके अंदर पानी चल रहा होता है, एक एंड से पानी अंदर आ रहा है और दूसरे एंड से नीचे जा रहा है। हाइड्रोपोनिक के सेटअप को बनाने में बहुत थ्योरी लगती है, जैसे आप देख रहे हैं पाइप्स हैं, बहुत लोगों के मन में आएगा कि हम इससे पतली भी यूज़ कर सकते हैं, इससे मोटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप 4 इंच की पाइप इस्तेमाल करें, क्योंकि 4 इंच की पाइप के अंदर आप टमाटर भी लगा सकते हैं और हरे पत्ते वाली कोई भी एग्जॉटिक भी लगा सकते हैं और लीफी ग्रीन कोई भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आप 2.5 इंच की पाइप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम खाली और खाली लीफी ग्रीन्स लगा सकते हैं, आप 3 इंच की इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर फिर भी आप लीफी ग्रीन्स ही लगा पाएंगे, लेकिन 4 इंच की पाइप में टमाटर भी लगा सकते हैं, शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं और लीफी ग्रीन्स भी लगा सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि 4 इंच की पाइप इस्तेमाल करें अपने सेटअप के लिए। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियां, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो ये हमने यहां पे सीड सो किया हुआ है रॉक वूल के अंदर, ये एक मीडियम है। इसके अंदर दूसरा मीडियम आता है जिसे हम कोकोपीट कहते हैं, कोकोपीट टैबलेट, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो फिर हम उसके अंदर सीड डालते हैं, फिर वो स्टेज 2 पे आता है जहाँ पे वो एक स्प्राउट पे आता है, जैसे ये अब स्प्राउट हो गया है। फिर स्प्राउट होने के 3 से 4 दिन के बाद वो अपनी ट्रू लीव्स को, उसकी ट्रू लीव्स आती हैं। फिर ट्रू लीव्स आने के बाद हम उसको 15 दिन तक इसके अंदर रखते हैं, उसके बाद उसकी मेन लीव्स आ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम उसको लेके जाके मेन सेटअप के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये एक 15 दिन का साइकिल होता है जिसके अंदर सीड सोइंग से स्प्राउट के अंदर 3 दिन लगते हैं, 3 से 6 दिन के अंदर ट्रू लीव आती है, ट्रू लीव से प्लांट पूरा मेन सिस्टम में जाने के लिए तैयार होने के लिए 9 दिन और लगते हैं। तो टोटल 15 दिन का साइकिल है, उसके बाद ये प्लांट आपका मेन सेटअप में चले जाता है। जैसे आप जानते हैं हमारे सैपलिंग्स तैयार हैं, अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। जो हमारा सबसे पहला प्लांट है ये रॉकेट लीव्स है, इसको हम एरेगिला भी बोलते हैं। तो ये बहुत इजी है ट्रांसप्लांट करने के लिए, आप इसको अंदर कप के अंदर डालेंगे और फिर आप इसके अंदर बस एक चीज़ देखेंगे जिसका ध्यान देना है कि ये पानी में इसकी रूट्स गई हैं कि नहीं। अब हम अगला प्लांट जो है हम केल है, हम केल को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। केल बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है क्योंकि ये हमारे लिए बेसिकली आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके आप बहुत अच्छे सैलड्स बना सकते हैं, इसकी आप बहुत अच्छी स्मूदी बना सकते हैं। जो स्मूदी होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है आपका वेट रिडक्शन के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो ये केल की गुड क्वालिटीज़ हैं। अब हम स्विस चार्ट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं। अब ये हमारी बेजल है जिसको हम लगा रहे हैं।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि स्विस चार्ट में बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसके अंदर कितने कलर्स हैं। हमने ग्रीन लगाया, ये रेड है, येलो है, और ये रेड वेन्स वाला है, लिटिल ग्रीन लीव्स उसके साथ रेड वेन्स हैं इसमें। ये हम स्विस चार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अलग अलग कलर्स के अंदर। ये भी हमारा स्विस चार्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा पिंक क्लस्टर है अगर आप नोटिस करेंगे तो। ये बेजल है, ये केल है जो हम लगा रहे हैं, ये भी केल है। अब हम फिर से रॉकेट लीव्स लगा रहे हैं अरेगिला, अब जैसे हमने बाकी के लीफी ग्रीन्स ट्रांसप्लांट किए हैं, हम इनके अंदर और भी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे आपका पॉक चॉय हो गया, आपकी लेटस हो गई, अब वैरायटी ऑफ लेटस हो गई, आपकी आइसबर्ग हो गई, तो हम इसके अंदर लीफी ग्रीन्स के अंदर बहुत कुछ लगा सकते हैं। हम पालक भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं, तो हम अपनी हर रोज़ की ज़रूरतों के लिए इसके अंदर हर एक लीफी ग्रीन्स को लगा सकते हैं। जैसे आज की डेट में हाइड्रोपोनिक सेटअप बहुत लोग अपना इंडोर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सबको फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, और अब जैसे हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है तो लोग चाहते हैं कि हम प्लांट्स लगाएं जिससे ऑक्सीजन अंदर घर के अंदर आए, तो इसीलिए बहुत लोग इसको इंडोर लगाना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर वो अपने लिए लीफी ग्रीन्स भी उगाते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी उनकी जनरेट होती है प्लांट से, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हम इसको करने को वेरियस कलर में पेंट कर सकते हैं, आपके इंटीरियर से मैच कर सकते हैं, और हम इसको जैसे भी चाहें ब्यूटीफाई कर सकते हैं। बाकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो हम इसके अंदर अपनी लीफी ग्रीन्स उगा रहे हैं या जो भी उगा रहे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ना तो उसमें हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ना हम उसमें केमिकल डालते हैं, और हम अपने रूट्स को सीधा सीधा न्यूट्रिशन पिलाते हैं, तो जो एक पौधे के अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए वो पूरा आपको मिलता है। आज की डेट में आप जो भी मार्केट से सब्जियाँ लेते हैं उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, और आप जैसे मिट्टी के अंदर काम करते हैं, मिट्टी में पौधा लगाते हैं, तो उसके अंदर कितनी दिक्कतें होती हैं कि आप सॉइल के अंदर जा रहे हैं, पौधा डाल रहे हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। एक जगह आपको अपना सैपलिंग तैयार करना है और दूसरी जगह बस उठा के इसको कप्स में डालना है और पानी को चला देना है, और ये अपने आप ग्रो करता रहेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। इस सेटअप के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हाइड्रोपोनिक में, वो हमारा है TDS और pH, जिसको हमारे को हमेशा मेंटेन करना होता है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
आपका पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी पौधे की जड़ें गलनी चालू हो जाएंगी, आप नोटिस करेंगे ऊपर से पत्ते में गलावट आ रही है क्योंकि आपका पीएच बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर कम हो जाएगा पीएच तो आपका पौधा बड़ा होना बंद हो जाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक पीएच एक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका पौधा न्यूट्रिशन नहीं उठाएगा। न्यूट्रिशन कम होगा तो उसको खाना कम मिलेगा, जैसे हमारे को भूख लगी हो हम कम खाना खाएँ तो हमारे को और भूख लगती है, वैसे प्लांट्स में होता है अगर हम उनको पूरा खाना नहीं देंगे तो वो बढ़ेंगे नहीं, उतने के उतने रह जाएंगे। तो पीएच और जो न्यूट्रिशन होता है, पीएच और जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे सेटअप का सबसे मेन पार्ट होता है, जिसके ऊपर हमारे को चेक रखना पड़ता है। दो दिन में एक बार ही आप देख सकते हैं या तीन दिन में एक बार ही देख सकते हैं, लेकिन पानी टॉपअप करना और न्यूट्रिशन डालना इसके अंदर वो आपको रेगुलर वे में करना चाहिए कि आपके प्लांट्स हेल्दी रहें और ग्रोथ अच्छी आए, कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी आप उगाएंगे उसको एंजॉय कर सकें, लीफी ग्रीन को या किसी को भी। अब हम अपना पीएच चेक कर रहे हैं, जब भी हम पीएच चेक करते हैं हमारे को हमेशा 1 से 2 मिनट उसको देने चाहिए कि पीएच स्टेबलाइज हो जाए। जो रिक्वायर्ड पीएच होता है वो हमारा होता है 5.5 to 6.5, तो उसके बीच में ही हमेशा रहना चाहिए। अगर उससे ऊपर होगा तो आपके पत्तों के अंदर गलावट आनी चालू हो जाएगी, रूट रॉटिंग शुरू हो जाएगी, उससे नीचे होगा तो आपका जो पौधा है वो न्यूट्रिएंट को उठाएगा ही नहीं, वो उतने का उतना रह जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा इस टाइम पे पीएच है जो बढ़ा हुआ है वो 6.8 दिखा रहा है, तो अब हम इसको कम करने के लिए इसमें सोल्यूशन डालेंगे जिससे ये पीएच नीचे आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं जैसे आप घर पे आरओ का पानी पीते हैं तो हम उसका भी पीएच मेंटेन करते हैं, क्योंकि पीएच एक हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पानी के अंदर, वैसे ही हम अपने प्लांट्स के लिए भी पीएच को मेंटेन करते हैं। तो जब हम पीएच रिड्यूसर डालते हैं उससे हम अपने पीएच को बैलेंस कर लेते हैं 5.5 से 6.5 के बीच में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पीएच इंक्रीज़ क्यों नहीं करते अगर नीचे जाए। अगर हमारा पीएच नीचे जाना चालू हो जाएगा, इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो पानी है वो इन्फेक्टेड हो चुका है किसी कारण से, तो फिर हमारे को जितना भी पानी है उसको सारा बदलना पड़ेगा, नए पानी से पूरे से वापस उसमें न्यूट्रिशन और पीएच डाल के उसको उसका लेवल बराबर करना होगा जो हमारे की रिक्वायरमेंट है। अब हम पीएच रिड्यूसर डालेंगे, हमने तकरीबन 10 से 15 ml पीएच रिड्यूसर डाला है जो हमारे 100 लीटर पानी को हमारे नॉर्मल पीएच रेंज बाउंड के अंदर ला सकता है जो 5.5 से 6.5 है। अब ये हमारा TDS मीटर है जिससे हम न्यूट्रिशन देखते हैं हमारे पानी में कितना है, और ये हमारा टेम्परेचर भी बताता है, तो हम दोनों चीज़ें एक साथ चेक करते हैं। अब हम इसको डालने के बाद हम इसके लिए भी कम से कम 30 seconds to 1 minute वेट करेंगे कि इसकी रीडिंग परफेक्ट आ जाए। एक बार इसकी रीडिंग अच्छी आ जाती, परफेक्ट आ जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अंदर होल्ड का बटन भी होता है जिससे हम रीडिंग को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे हम अभी इसको होल्ड करके फिर हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कि क्या रीडिंग आ रही है। जैसे आप जानते हैं 30 seconds हो चुके हैं तो हम इसको होल्ड कर रहे हैं मीटर को, तो हमारा जो इस टाइम आप देखें जो PPM आ रहा है वो 994 आ रहा है जो बिल्कुल परफेक्ट है, और जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है पानी का वो तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस आ रहा है जो बिल्कुल ठीक है। अगर TDS हमारा कम निकलता तो उसके लिए हम इसके अंदर न्यूट्रिशन ए और न्यूट्रिशन बी को मिलाते छोटी मात्रा में कि हमारा न्यूट्रिशन जितना हमारा लेवल है, जैसे हमारे को 1000 PPM चाहिए कम से कम कि उधर पहुँच जाए। अगर आप ज़्यादा मिला दोगे तो वो ये भी हो सकता है कि वो 1200 पे पहुँच जाए जो अच्छा नहीं है। तो इसलिए जब भी आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो टॉप अप करने के लिए, न्यूट्रिशन लेवल लाने के लिए ठीक, तो धीरे धीरे करके डालें, एक साथ ना डालें कि क्योंकि आपको इंतज़ार करना है कि आपको न्यूट्रिशन जो आपको 1000 PPM चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। न्यूट्रिशन बनाने के लिए हमारे पास दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन ए न्यूट्रिशन बी। जो न्यूट्रिशन ए होता है वो थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, जो न्यूट्रिशन बी होता है वो येलो कलर का होता है। जब हम इन दोनों की बराबर मात्रा को पानी के अंदर मिलाते हैं तब हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन बनता है। जब भी इनको डालें हमेशा एक चीज़ याद रखें, पहले ए पानी में डलेगा और बाद में बी डलेगा। अगर आप दोनों सॉल्यूशन को एक साथ मिला देंगे तो न्यूट्रिएंट लॉक हो जाएगा जिससे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके प्लांट को अगर आप दोनों सॉल्यूशन को मिला के डालते हैं तो आपके प्लांट को कोई खाना नहीं मिलेगा, नॉर्मल पानी मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जब आप न्यूट्रिशन डाल रहे हैं पहले ए डालें, उसके कुछ गैप के बाद बी डालें कि वो मिल जाए अलग अलग। जैसे आपने हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप देखा, अब इसके अंदर भी दो टाइप के सेटअप आते हैं। एक जो इंडोर होता है, जैसे लोगों को शौक है कि वो अंदर लगाना चाहते हैं अपने ड्राइंग रूम में किचन में, तो उसके लिए वो इंडोर सेटअप होता है जिसके ऊपर हम आर्टिफिशियल ग्रो लाइट लगा के देते हैं, जिसके अंदर ना पेस्ट की इशू आता है ना क्लाइमेट का इशू आता है,
और सन है नहीं है उसका इशू नहीं आता है। फिर जो दूसरा सेटअप होता है वो नॉर्मल सेटअप होता है जो हम टेरेस पे लगाते हैं या बालकनीज में लगाते हैं। मेरे पास अपने घर पे 26 प्लांटर्स का सेटअप बनाया हुआ है क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ्रेश सैलेड, अगर कोई भी आ जाए मेरे पास लीव्स रेडी पड़े होते हैं ताकि मैं फटाफट एक फ्रेश सैलेड बनाकर उसी टाइम पे सर्व कर दूँ। सो उसके लिए मैंने घर पे बेसिकली ब्रोकेट लीव्स, बेजिल और कुछ लेटस ग्रो किया हुआ है। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे स्विस चार्ड लगता है क्योंकि उसमें रेड और येलो दोनों कलर्स आ जाते हैं तो सैलेड भी सुंदर लगता है देखने के अंदर। सो दिस इज़ मतलब ऑल आई ग्रो एट होम, और जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आपकी रोज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप अपना भी सेटअप बना लेते हो। और जो एक सेटअप होता है 12 प्लांट का, वो तकरीबन 12,000 का पड़ता है। जैसे जैसे आप बड़ा सेटअप करते जाएंगे कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन उससे थोड़ा सा मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लांट मल्टीप्लिकेशन में कॉस्ट थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। यह हमारा हाइड्रोपोनिकली ग्रो किया हुआ पॉकचॉय है। आप इसको आप डिफरेंस देख सकते हैं मार्केट में जो आपको पॉकचॉय मिलता है और इसमें मिलता है। फिर हम इसको हार्वेस्ट करके ये भी कर सकते हैं कि हम अपने अंदर जार के अंदर इसको पानी में डाल के रख सकते हैं, ये लाइव रहेगा। जितना आपको इसकी लीव्स काटनी है आप काटें, खाएं, उसके बाद वापस पानी में डाल दें, तो आप इसको ऐसे भी इसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। अब हाइड्रोपोनिक ग्रो करने से हमें क्या फ़ायदा है कि आपको बहुत अच्छी आपकी सब्ज़ी मिलती है, केमिकल फ्री मिलती है, पेस्ट फ्री मिलती है। जो आज की रेट में पानी की शॉर्टेज हो रही है उससे हम बचते हैं। सॉइल ग्रो में आपका पानी बहुत लगता है, यहाँ पे उससे 90% कम पानी लगता है, और आप हेल्दी फूड खाते हैं और हाईली न्यूट्रिशियस खाते हैं। इसलिए हाइड्रोपोनिक जो है एक बहुत अच्छा मीडियम है ग्रो करने का, और जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मीडियम भी होगा और ईजी और पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा।